आज हम बनाएंगे पाव भाजी रेसिपी। बटर ले लें, एक चम्मच तेल, दो हरी मिर्ची कटी हुई, एक छोटी चम्मच जीरा, दो कटे हुए प्याज। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम प्याज को पकने देंगे, फिर टमाटर डालेंगे। और फिर चला ले थोड़ा, दो पिसे हुए टमाटर मिक्स कर लें। हम टमाटर को भी पकने देंगे थोड़ी देर। चार बॉईल करे हुए आलू मिक्स कर ले सबको। हमने आलू को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच पाव भाजी मसाला। सभी मसाले को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर ले धीरे धीरे। अब हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। एक कटोरी डालें, पानी को मिक्स कर ले। हमारा पानी मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें और पानी डालेंगे, एक छोटा ग्लास पानी डालेंगे। पानी को मिक्स कर ले धीरे धीरे। इसको पकने दे थोड़ी देर, 5 मिनट तक। नींबू के बीज निकाल दिए हैं, अब हम नींबू डाल देंगे। एक गिलास पानी और डालें, कटी हुई धनिया डाल दें। हम मिक्स कर दें। ब्रेड सेकने के लिए बटर डालें। धनिया ब्रेड को सेक लें। दोनों साइड से हमारी ब्रेड सीख चुकी है। अब हम निकाल लेंगे। तैयार है हमारी पाव भाजी रेसिपी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब नाउ।